दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग पर। मैं हूँ धीरज, एक बार फिर हाजिर हूँ नीति जी के साथ। आज जो बाढ़ पीड़ितों के लिए नरवर से धर्मेंद्र कुशवाहा जी हैं, पटवारी जी, धर्मेंद्र पटवारी जी, उनकी तरफ से ये खाना वितरण, खाद्य सामग्री वितरण की जा रही है। तो उसका जो पैकेट वगैरह भी तैयार कर रहे हैं, तो उन्हीं के पास हम आए। देखिए कई समाज सेवा चल रही है, क्या क्या बांटने के लिए, क्या क्या ले जा रहे हैं उनकी मदद के लिए। ठीक है, आपको ले चलना है। मदद का काम नेताजी आ रहा है। हीरा भाई साहब बहुत मदद। हीरा भाई साहब, प्यागत ठीक ठाक बनाए क्या? बात से बनाए सबसे बनाया अपने जितने छोटे अपने लगभग 90 लोग परिवार अपने क्षेत्र में। अच्छा, 90 लोग, 90 परिवार के लिए, सभी के लिए 5-5 पैकेट। पाँच किलो आटा है, एक किलो 10 ग्राम दाल है, 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज है, और साथ में हल्दी, धनिया, मिर्ची, तेल, सब सामान मिला के। चलो, सब सामान है, सामान तो हमने पहले देख लिया है। चलो बहुत अच्छा है। चलो, आप कितनी देर बाद चल रहे हैं? ऐसे ये सामान जा रहा है, काफ़ी लोगों की मदद कर चुके हैं और कर रहे हैं। ये राशन पानी भी लाया जा रहा है। ये घर बता रहे हैं, ये सामने ये घर बना हुआ है, ये धर्मेंद्र पटवारी जी है, इनके छोटे काफी लोग सभी लगे हैं मदद के लिए। रात सामग्री पहुंचा रहा है उनको, खाने पीने की व्यवस्था, नाश्ता तो पहुंचा दिया है अभी सुबह। अब ये खाने के लिए व्यवस्था है, इसमें आटा, दाल, चावल, तेल, मिर्ची, सभी। इसमें गाड़ी में कोई परेशानी नहीं रही, गाड़ी में रख लिया सामान के। देखो, काफ़ी मेहनत से लगे हुए हैं, इनके तो खुद घरवार बैग बेच चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों की मदद में लगे हुए हैं ये। धन्यवाद भैया। सामान को लेकर आ रहे हैं, गाड़ी में अंदर रख रहे हैं। देखो, प्याज, पैकेट प्याज के, आज सब्जी के पैकेट आए हैं, पैकेट तैयार किए सब्जी के। हम आपको लाइव दिखाएंगे, ऐसे ही हम वितरण करने जा रहे हैं। पहले कितना सामान और बचा है अभी? थोड़ा सा और बचा है, अभी लगे हैं। बेटा छोटू भी मदद में लगा है, ऊपर आगे खाए हुए हैं। हाँ, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई साहब, रेडी? पूजा मुझे करके रेडी है अभी, तैयारी उनको। अब भगवान की पूजा हो गई और भैया करने की तैयारी है। अब इंसानों की पूजा होने जा रही है, पेट पूजा का सामान, पेट पूजा का सामान देने के लिए आ रहे हैं। जितने भी देख रहे हैं सभी शेयर कराएं इसको, सभी से लोग सभी मदद में। अब हिंदुस्तान ऐसा है कि सभी मदद के लिए, कोई आपदा आए, कुछ परेशानियां, सभी दौड़ते एक तरफ। जिस दिन से बाढ़ आई है, बाढ़ पीड़ितों के लिए रोजाना मदद, खाना, राहत सामग्री, सब सामान उपलब्ध करा रहे हैं। ये सामान धर्मेंद्र पटवारी जी, हीरा भाई साहब, इनके और सभी टीम, पूरे मित्र सभी मदद कर रहे हैं। और जो राज सामग्री ले जा रहे हैं उनके साथ, उनके साथ ही खुद इनका घर भी खुद बह गया है बाढ़ में, लेकिन फिर भी ये मदद के लिए लगे हुए हैं। चलो ठीक है, हम तो मान के चलते हैं, जा रहे हैं इलेक्ट्रिक वाइज। और
बिल्कुल नाश्ता वगैरह हो रहा है इनके लिए, बेचारे अब क्या है, इसी से संतुष्ट हो रहे हैं। यानी सुबह का अपने घर रहते तो रोजाना खाना वगैरह सब टाइम टेबल से होता, लेकिन क्या करें। सभी मदद के लिए कमल साहब, हीरा कुशवा जी, हीरा जी सभी लगे हैं बिल्कुल। ये तो देते जाओ सभी को, बहुत ही अच्छा चल रहा है आगे। और जब से सभी को पता चला है ये यहाँ पर आए हैं बाढ़ से पहले हुआ, तो तभी से इनकी मदद के लिए सभी रुक आ गए हैं आगे। नरवर के जो जितने भी हैं सभी मदद करने वाले, और भैया बोल ले समझे, और ले लो चाना नहीं ले लो क्या आया हूँ, देखो कितनी मात्रा में ये राशन वितरण हो रहा है इधर, काफी लोग से भी लगे हैं। कितनी मात्रा में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बेचारे बेघर हो गए अपने घर से, और ये लकड़ी सब रखी हुई है। ये देखो ये नाश्ता हमें भी चला, बढ़िया 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 हम लोग। ये लोग बच्चे वगैरह बैठे हुए हैं भाइयों, आज नगर मंडी में सभी के लिए सुबह का नाश्ता वितरण करते हुए पूरी आदिवासी बस्ती मंडी में इनके लिए राशन पानी भी है, और जिस दिन से पता चला है लोग यहाँ आया जल्दी से हमारे काफी मात्रा में यहाँ लोग मौजूद हैं, उनके घर वगैरह ये सब दे रहे हैं, सामान सजेला सब दे रहे हैं। ये देखो आप इधर से दिखाया, इनको जरूरत है उनको करवाया जाए नाश्ता, ठीक है। अब जो गार्जियन जो तुम इतना भाषा लियो जिनके घर बेघर हो गए हैं, सामान चला गया है इनका, कुछ बजा नहीं आया खाने पीने की, उनकी मदद ना हो रही है यहाँ पर। बच्चे काफी देख रहे हैं आप, कितने ये बच्चे बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, और कितने देख रहे हैं कितने मासूम मासूम बच्चे हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं, जिससे बेचारे बड़ों को भूख लगती है, तो बच्चों का क्या हाल हो रहा है। इतने मात्रा में बच्चे हैं जो कितना तरस आ रहा है, और काफी मात्रा में देखो लोग बैठे हैं, इतने परेशान हैं। सभी से निवेदन है वीडियो जितनी भी देख रहे हैं सभी शेयर कर दें, ये बात है। ईमानदारी से लगे हुए हैं गटी में, जिस दिन से बाढ़ आई है सभी परेशान है, उसी दिन से ये राशन पानी का वितरण किया जा रहा है। अभी बच्चों को बांट रहा है, फिर बड़े बड़े लोगों को बांटा जाएगा। अरे सबको मैं लेता आराम से ले लो, सब अभी बहुत व्यवस्था है सभी, और सभी जुड़ने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन और
और इसे जन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जुड़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ लोगों की मदद करें जो आपके आसपास की है, उन लोगों की भी मदद करें आगे आए और कुछ राज सामग्री भी जाएँ कमर से भी जितनी भी कर रहे उनका बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद काम को कर रहे हैं। बिल्कुल चल रहा है भाई साहब, बिल्कुल तुम टेंशन क्यों भाई घर से आओ ना, तुम्हारी चल रहा सामने से अभी नाश्ता बचा ना, अभी सामग्री इनको सब्जी आलू वगैरह जैसी नमक दही मिर्ची सब राशन का सामान भी अभी इनको वितरण करना है। ये राशन का सामान वितरण होगा धर्मेंद्र पटवारी कुशवाहा जी हैं उनकी तरफ से राशन वितरण किया जाएगा। और ये काफी भीड़ ना लगा, आराम आराम से सभी को मिलेगा, बहुत ही स्टॉक है। थोड़ा आराम आराम से भैया, आराम आराम से बैठो, जाते हैं आराम आराम से, आराम से आराम से आराम से लाइन लगा के जैसे तो ज्यादा वो जाएगा तो लाइन लगा के लिस्ट बनाई है ये और सभी को राशन और उपलब्ध करा रहे हैं। सपना धर्मेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से किया जा रहा है। देखो भाइयों, ये आज राशन का वितरण किया जा रहा है, ये पूरी टीम आई है, ये राशन का वितरण सपना धर्मेंद्र पटवारी द्वारा किया जा रहा है। इसमें चावल, इसमें आलू है, प्याज है, दाल है, तेल है, नमक है, मिर्ची है, धनिया है, सभी 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 सामग्री की जो सामग्री है वो इसमें है। मुन्ना का मुन्ना मिर्ची धनिया अपना राशन का सामान सपना धर्मेंद्र पटवारी जी भैया ये आज खाने के वितरण की वो खाने के सामग्री वितरण की जा रही है, जो खाने में जो सामग्री होती है आज ये नरवर मंडी सूरादवासी बस्ती को वितरण की जा रही है। यहाँ पर दाल
आप सभी से निवेदन है जितने भी लोग आगे Yeah.
चलो कुछ मदद तो ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये धर्मेंद्र पटवारी जी की तरफ से है, सपना धर्मेंद्र पटवारी की तरफ से है, राशन वितरण किया जा रहा है। खड़े नहीं हो पाती
और कोई नाम बोलो। सुरेंद्र भाई बेचारे घर से बीघर हो गए हैं, इनका सभी का घर बह गए हैं नदी में, सिंध नदी के उफान में, बाढ़ में। सभी के लिए मदद पहुंचाई जा रही है, राशन वितरण किया जा रहा है सभी के लिए, और जब तक ये आ रहेंगे सब तक ऐसा रातन राशन वितरण होता रहेगा। यहाँ पर सभी जानवर के लोग यहाँ राशन वितरण करते रहेंगे। अरे तुम तो लेते जाओ, कहीं देखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आते जाओ। रमेश सेन आराम से करो। लाइन लगा के वैसे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो लाइन लगा के मैं लिस्ट बनाई है, ये सभी को राशन और उपलब्ध करा रहे हैं। देखो भाइयों, ये आज राशन का वितरण किया जा रहा है, ये पूरी टीम आई है, ये राशन का वितरण सपना दरबिंद पटवारी द्वारा किया जा रहा है। इसमें चावल, इसमें आलू है, प्याज है, दाल है, तेल है, नमक है, मिर्ची है, धनिया है, सभी 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 सामग्री है वो इसमें है। आराम से
नाम है तुम्हारा? दरवेश। करते हैं दोस्तों आपको जी हमारा क्यों हमारे द्वारा किया जाने वाला कार्य, सभी समाज सेवकों द्वारा किया जाने वाला कार्य, राशन वितरण और उनकी मदद, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी जो मदद कर रहे हैं, यदि ये कार्य हमारा अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा जो मदद की जा रही है लोगों की, तो ये अच्छा लगा रहा हो तो ये वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और हम आपको कॉल करके अपडेट देते रहते हैं। और कल एक अब उड़ीसा जाते हैं, मेरे पास भी 200-300 फोन आए थे, टाइम टू टाइम ऐसा कुछ नहीं, अब ना ना आए बिल्कुल सचेत रहें, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल से तरीके से सब टाइम चला चलना है भैया। तो आशा करते हैं दोस्तों फिर मिलेंगे एक बार, तब तक के लिए जय माई की।